आगर जिले के कानड़ क्षेत्र के अरुण शर्मा का पार्थिव देह आज सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव कानड़ लाया गया, जहां हजारों युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ पार्थिव देह को निवास स्थान पर लाया। वहां शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवा के शहीद के पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहीद परिजनों को तिरंगा सौंपा गया। आपको बता दें कि बीते दिन कुपवाड़ा में अरुण शर्मा क्रॉस फायरिंग के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। शहादत की सूचना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ था। अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए हजारों का जोश उमड़ पड़ा। कानड़ के रहने वाले अरुण शर्मा की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों की तादाद में युवा अपने लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं शहीद के पार्थिव कपिले पर हर जगह पुष्प वर्षा हुई और शहीद के पार्थिव पर पुष्प चक्र भी अर्पित किए गए। शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। कुपवाड़ा में चल रहे आतंकी मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान अरुण शर्मा शहीद हो गए थे। आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। जैसे ही पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। भारत माता के ऐसे वीर सपूत के श्री चरणों में अपर समाचार परिवार की ओर से सादर नमन व वंदन करते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से शहीद का काफिला जो है उनके पैतृक गांव की ओर चल रहा है। शहादत की सूचना के बाद शासन प्रशासन के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे वीर बहादुर जवानों को ये बलिदान देश कभी भुला नहीं पाएगा और आने वाली पीढ़ियां हमेशा ऐसे वीर जवानों को याद करता रहेगा। हजारों लोगों ने तिरंगा रैली निकाल शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद अरुण शर्मा का ये पार्थिव शरीर आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।